Welcome back to my channel and I hope and pray that you and your families are doing absolutely fine. Everything is all okay at your end. Everything is all okay at my end also. आज का वीडियो होने वाला है एक क्लोदिंग हॉल, वो भी एक ट्राई ऑन हॉल। अगर आप लोग मेरे व्लॉग्स रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो आप लोगों ने मेरे किसी व्लॉग में देखा होगा कि मैं हिल रोड गई थी एंड आई एंडेड अप डूइंग सम शॉपिंग और मेरी अच्छी खासी शॉपिंग हो गई एंड मोर देन दैट I am just so happy with my shopping. Everything fit me just right. मैंने सोचा क्यों ना एक हॉल बनाया जाए and I am right here. तो चलिए जल्दी से ये हॉल शुरू करते हैं and मैं शुरुआत करूंगी with my very favorite and the first item जो मैंने इस शॉप से खरीदी थी। मैं तो विंडो शॉपिंग कर रही थी and suddenly this beautiful cotton white shirt caught my eye. सबसे पहले तो इसका कपड़ा इज सो कम्फर्टेबल, इट्स डेफिनेटली कॉटन, तो इसीलिए आपको थोड़ी बहुत रिंकल्स दिख रही होगी, बट इट्स अ प्लेन व्हाइट ओवरसाइज शर्ट। अच्छा सा कॉलर है एंड इट्स गॉट बटन्स, वेरी नाइस ब्रॉड कफ्स एंड देर इज रियली नथिंग देयर टू एक्सप्लेन इन अ व्हाइट शर्ट। इट्स अ प्लेन व्हाइट शर्ट विद अ पॉकेट, इट्स जस्ट योर प्लेन गुड ओल्ड हम्बल व्हाइट शर्ट एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू स्टार्ट वेयरिंग दिस रियली रियली सून। अब बढ़ते हैं towards the next garment and again it is this beautiful stripe shirt. It has a collar, it's got buttons और ये इतनी oversize नहीं है जितनी वो white shirt थी and इसकी sleeves भी काफी short है जैसे आपको दिख रहे हैं and it is again very very soft material. इसका कपड़ा 100% cotton है, बहुत ही casual और comfortable shirt है। आप इसको अलग अलग तरीकों में स्टाइल कर सकते हो एंड बिलीव इट और नॉट इस शर्ट को मैंने इतनी बारी पहना है, इतनी बारी धोया है और इस शर्ट को कुछ भी नहीं हुआ है, द क्वालिटी इज जस्ट इंटैक्ट। एब्सोल्युटली लव दिस शर्ट। क्योंकि शर्ट्स की बात हो ही रही है सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट शर्ट। इट इज दिस ब्यूटिफुल ऑलमोस्ट स्काई ब्लू शर्ट, सिंपल सी शर्ट है, इट्स गॉट अ नाइस डीसेंट कॉलर, बटन्स राइट अप टिल द एंड, डीसेंट कफ्स एंड अ पॉकेट। अगेन ये जो कपड़ा है ये 100% कॉटन है, थोड़ा सा पतला है सो इफ यू वॉन्ट टू स्टाइल इट यू कैन प्रोबेबली वेयर अ स्पेगेटी और अ सिंगलेट इनसाइड, इफ यू वॉन्ट यू कैन जस्ट नॉट इट अप। ऑल्दो दिस शर्ट इज फुल स्लीव्स बट इसका कपड़ा इतना पतला, इतना मुलायम और इतना कंफर्टेबल है, ऑलमोस्ट लाइक अ मल फैब्रिक। आई एम श्योर कि इसको गर्मियों के सीजन में भी मैं बहुत कंफर्टेबली पहन पाऊंगी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट गारमेंट एंड अगेन इट इज ए शर्ट बट ये थोड़ी सी स्टाइलिश शर्ट है, कंप्लीट ब्लैक। इसके जो कफ्स है थोड़े से नैरो है देन द रेगुलर शर्ट्स एंड यहाँ पे आगे जो बटन्स है बस आपके वेस्ट तक है और उसके नीचे ऐसे ये थोड़ा सा स्लिट है, तो जब आप इसको पहनोगे ऐसा इल्यूजन होगा जैसे एक टाई अप या आपने शर्ट को नॉट किया है, बट एक्चुअली इट इज द डिजाइन इन द शर्ट एंड इसका कॉलर भी काफी डिसेंट है एंड देन इट गोज लाइक अ वी नेक, देयर आर बटन्स। इस शर्ट में कोई पॉकेट नहीं है, ऐसी शर्ट अपने ऑफिस वेयर में भी पहन सकते हो, यू कैन ड्रेस इट अप फॉर अ पार्टी, आप कैजुअली भी पहन सकते हो। मतलब आई थिंक मेरे को शर्ट से ऑब्सेशन हो गया है, काफी टाइम से मेरे पास प्लेन सॉलिड शर्ट्स नहीं थी, मेरे पास चेक्स थी एंड बहुत सारी चेक्स थी तो मैं सिर्फ चेकर्ड शर्ट्स पहन रही थी एंड आई रियलाइज दैट सिंस द टाइम आई हैव गॉटन मैरिड आई डोंट हैव समथिंग व्हिच इज कम्प्लीटली ब्लैक एंड कम्प्लीटली व्हाइट, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो अच्छे कपड़े मिल रहे हैं तो कुछ सॉलिड शर्ट्स ली जाए एंड इनको देखते ही मुझे पहली नजर में ये सारी शर्ट्स पसंद आने लगी तो आई जस्ट पिक्ड इट अप। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट गारमेंट एंड यस, अगर आप लोग सोच रहे हो कि ये कहीं फिर से कोई शर्ट ना दिखा दे, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट इज अनदर शर्ट, अ प्रिंटेड शर्ट, बट ये रेगुलर शर्ट नहीं है, इट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ शॉर्ट शर्ट, ये आपकी वेस्ट से थोड़ा सा नीचे आके एंड होगी। इसके जो बटन्स है ये ऑल द वे नीचे तक नहीं जाते हैं, बस चार पांच बटन्स है एंड देन इट गिव्स यू द फील्स ऑफ अ ट्यूनिक। 3/4 स्लीव्स है, इट हैज अ नाइस डिसेंट कॉलर एंड अगेन द कपड़ा इज सो सॉफ्ट। इसको भी मैं कई बारी पहन चुकी हूँ, धो चुकी हूँ, इसका कलर ब्लीड नहीं हुआ, कपड़ा श्रिंक नहीं हुआ, बहुत ही कंफर्टेबल कपड़ा है। एवरी टाइम आई हैव वोन दिस शर्ट आई पर्सनली फील दैट आई लुक वेरी फ्रेश एंड माई चीक्स नेचुरली लुक पिंक। आई डोंट नो, समथिंग अबाउट दिस शर्ट रियली सूट्स माई स्किन टोन, इट लुक्स रियली रियली नाइस ऑन मी। अगर आप लोग मेरे ब्लॉग्स देख रहे हो तो आप लोगों ने जरूर देखा होगा कि जिस व्लॉग में मैं अपनी बेस्टी के साथ लंच के लिए गई थी उसमें मैंने यही शर्ट पहनी थी एंड इवन शी रियली लाइक्ड इट। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल शर्ट, वेरी कैजुअल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पीस एंड अगर आप लोग सोच रहे होंगे पक्का ये फिर से शर्ट दिखाने वाली है,
You guys are wrong. It's not a shirt. Shirts are over. I'm going to show you this beautiful, beautiful top. It just gives you baby girl vibes. It's a dark blue color, almost like an ink blue color. I know camera mein ye almost black dikh raha hai, but it's not black. It's a very, very deep blue. And yahan pe agar aap dekh sakte ho neck pe, itni beautiful si embroidery ki gayi hai. It's so, so pretty. This embroidery only just caught my heart and I knew that mujhe ye top lena hi lena hai. To bas chest tak ye embroidery hai and phir thodi si pleats hai. And then it's a short top. Aap isko jeans pe pehen sakte ho. It is sleeveless as you can see. Ye jo kapda hai, it is 100% cotton. Very, very comfortable on the skin and really, really cute. Now let's move on to the next garment, and again it is a beautiful top. This gorgeous piece, matlab ye itna pretty hai dekhne mein that I just had to get it, and thankfully it fit me just right. ये जो कपड़ा है ये कॉटन नहीं है, दिस इज शिफॉन, और इस पे ये पेजली प्रिंट है, और अंदर जो लाइनिंग दी गई है वो येलो है. सो आई थिंक उस येलो कलर से ही बहुत अच्छा गेटअप आ रहा है. और ये जो स्लीव्स है ये ऑलमोस्ट 3/4 स्लीव्स है, एंड एंड पे जहाँ पे कफ्स है वहां पे ऐसे स्मोकिंग डिटेलिंग है, तो एकदम ही टाइट हो जाती है, यू नो वेयर द स्लीव्स एंड. डिसेंट कॉलर है, पीछे एक बटन की होल बटन सा नेक है, थोड़ा सा शॉर्ट है, बट इट लुक्स वेरी क्यूट. आप इसको किसी पार्टी में भी पहन सकते हो. यू कैन इवन वेयर इट टू योर ऑफिस, यू कैन जस्ट वेयर इट कैजुअली इफ यू आर गोइंग आउट फॉर अ लंच और अ डिनर. आई थिंक ये कलर इतना प्यारा था कि ये टॉप देखते ही मुझे इतना पसंद आ गया. जस्ट कैन नॉट वेट टू वेयर दिस, स्टाइल इट एंड गो आउट. मतलब इट इज जस्ट सो प्रिटी, जस्ट सो, इज जस्ट सच अ गर्ली टॉप. आई कैन नॉट फाइंड एनी फ्लॉज इन इट. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट गार्मेंट, एंड अगेन इट इज दिस ब्यूटिफुल कॉटन टॉप इन बेज कलर. इस पे ये अच्छी सी बहुत प्रिटी प्रिंट है, इस पे काले काले फूल बने हुए हैं. इसका जो नेक लाइन है ये बहुत ही क्यूट, एक स्वीट हार्ट नेक है. ऐसे दिखने में ऐसा लगता है कि बहुत डीप है, बट इट इज नॉट डीप. और यहाँ से भी इट इज जस्ट सिंच्ड रियली वेल. इसकी जो स्लीव्स भी है, इट्स गॉट दैट लिटिल बिट ऑफ अ फ्लेयर इफेक्ट. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इसका जो बैक है ये पूरा ही स्मोक्ड है. मतलब इट इज द स्मोकिंग स्टिच. इस वजह से ये टॉप की जो फिटिंग है इट इज जस्ट राइट. आपका जो बॉडी है, दिस टॉप विल टेक दैट बॉडी शेप. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आप इस टॉप को ऐसे भी पहन सकते हो विद द स्लीव्स अप, and then you can make it into an off shoulders top. You can just pull the sleeves down and make it a little dressy. So I found that really, really cute, and the best part is that it fit me so well, so I had to get it. चलिए अब बढ़ते हैं towards the last garment of this haul, and that is this really cute t-shirt that I'm wearing. सबसे पहले तो इसका कपड़ा इतना कंफर्टेबल है, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैंने कुछ पहना हुआ है. इतना कंफर्टेबल है ऑन द स्किन, इट फिट्स मी जस्ट राइट. ये ज़्यादा टाइट नहीं है, ज़्यादा लूज नहीं है. इट हग्स माय बॉडी वेयर इट इज सपोज टू बी हगिंग. आई रियली रियली लव इट. स्लीव्स इसकी काफ़ी डिसेंट साइज की है, शॉर्ट स्लीव्स. इट्स गॉट अ राउंड नेक. इज जस्ट अ प्लेन बेसिक टी शर्ट, इंक ब्लू इन कलर, और इसपे व्हाइट और स्काई ब्लू फ्लावर्स और पत्ते बने हुए हैं. एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल, वेरी वेरी कैजुअल. आप इसको जिम में पहन सकते हो. यू कैन जस्ट वेयर इट एंड गो आउट फॉर एन एरेंड. यू कैन जस्ट कैजुअली वेयर इट एट होम, जस्ट लाइक द वे आई एम वेयरिंग इट. और इस टी शर्ट को भी मैंने काफी बार पहना है, काफी बार धोया है. ये श्रिंक नहीं हुआ है, इसका कलर नहीं निकला है. Absolutely love it. तो बस इसी के साथ this haul comes to an end. मुझे comments में जरूर बताना कि इन सब pieces में से आपका favorite piece कौन सा था, और इस पूरे try on haul में मुझ पे सबसे अच्छा piece कौन सा लगा आपको, comments में जरूर बताना. मैं आपको ये बता दूं कि ये जितने भी garments थे, हर garment का price 350 rupees था, and मैंने ये सारे के सारे pieces एक ही दुकान से ली. अगर आप मेरे ब्लॉग्स देख रहे हो तो आप लोगों ने जरूर देखा होगा कि उस शॉपिंग ब्लॉग में मैंने उस दुकान का नाम भी बताया था, और उस स्टाफ से भी मिलवाया था. दे वर सो सो हेल्पफुल, सो सो पोलाइट. मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप किसी दुकान में जाओ तो वहाँ का जो स्टाफ होता है, जो सेल्स पर्सन होता है, वो काफ़ी हार्ड सेलिंग करता है, और बस उसका यही इंटेंशन होता है बस किसी ना किसी सूरत से यू नो ये कपड़ा या ये प्रोडक्ट कस्टमर को चिपका दे. तो वो वाली फीलिंग मुझे इस शॉप में नहीं आई. उस दुकान में एक चेंज रूम की फैसिलिटी नहीं थी, तो मैं अंदाजन अपने आप को मेजर करके कपड़े ले रही थी. दैट शॉप डज हैव अ फैसिलिटी कि अगर आपको कोई गारमेंट फिट ना हो और अगर आपको एक्सचेंज करना है फॉर अनदर पीस,
आप 8-10 दिनों में जाकर अपने पीस को एक्सचेंज कर सकते हो फॉर अ बिगर और अ स्मॉलर साइज अपने साइज के हिसाब से. सो दैट इज अ गुड थिंग. सो डेफिनेटली चेक आउट दैट शॉप. मुझे ऐसा लगा कि ये जो सारे पीसेस हैं मुझे शायद दूसरी दुकानों में भी मिल सकते थे, बट बिकॉज वो स्टाफ इतना पोलाइट और इतना जेन्युइन था, यू नो आई जस्ट फेल लाइक डूइंग माई कंप्लीट शॉपिंग इन दिस प्लेस एट दिस शॉप ऑन हिल रोड. उसका नाम मैं स्क्रीन पे डाल दूंगी या तो फिर आप मेरे ब्लॉग्स में जाके देख लेना. आई हैव अ फीलिंग कि इस शॉप से मैं अपनी काफी फ्यूचर शॉपिंग करने वाली हूँ, तो आप में से कोई अगर हिल रोड जाए तो इस शॉप को जरूर चेकआउट कीजिए. दे हैव क्वाइट अ लॉट ऑफ गुड पीसेस एंड यू आर गोइंग टू कम होम हैप्पी. At least I am very happy with the quality and the pieces that I picked up. Very practical clothing and quality also very good. जैसे कि मैं कई बार बोल चुकी हूँ. And बस इसी के साथ it is time for me to say bye bye to you on this video right here. I hope you guys are subscribed to my channel. I hope you guys are liking my video, sharing my videos. If not, please go and hit the like button, share this video, subscribe to my channel. Also, do not forget to hit the bell icon so that you guys get notified every time I post a new video here on my channel. Aur isi ke saath, it's time for me to say bye-bye to you on this video right here. Until the next time, you know the drill. Stay extra, extra kind and be your own kind of beautiful.